जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम अमर गुरुपाद पद्म जुगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमल साष्टांग दंडवत प्रणाम करुची। प्रिया आत्मन, ये पुरुषोत्तम आसर श्रीक्षेत्र मंडल परिक्रमा करिवा क्रम रे आज आम मैंने दर्शन करिवा बा से स्थानर महिमा कथा को श्रवण करिवा श्री राधाकांत मठ बा काशी मिश्र भवन संबंध रे गंभीरा नाम रे जे सुपरिचित जो स्थान चैतन्य महाप्रभु दीर्घ 18 वर्ष काल बसती स्थापन करथिले नीलाचल धाम रे बास करी नीलाचलवासी को कृपा ए स्थान रही करथिले। कुआ जाए गौड़ीय संप्रदायर जिते प्राचीन मठ अच्छी ये समस्त मठ मानक मध्ये एक विशेष मठ श्री राधाकांत मठ बा काशी मिश्र भवन प्रताप रुद्रदेव श्रील काशी मिश्र को राजगुरु ज्ञान रे विशेष नित्य पूजा एवं सम्मान करुथिले। तेणु सम्मान उद्देश्य रे से भवन को से काशी मिश्र को अर्पण करथिले। चैतन्य महाप्रभु जेतले दक्षिण भारतर समस्त स्थान को दर्शन करी भ्रमण करी जीव मान को कृपा करी जेतले जगन्नाथ पुरी पुनर्वार फेरिले सार्वभौम भट्टाचार्य तांको निवेदन कले कले महाप्रभु सार्वभौम कहे प्रभु योग्य तुमार वासा तुम्हें अंगीकार कर काशी मिश्रेर आशा प्रभु कहे यही देह तोमा सबाकार जे तुम्हें कह से सम्मत आमार। सार्वभौम कहले महाप्रभु आपणकर निमंते सुयोग्य बासस्थान काशी मिश्रंकर बासस्थान एवं आपण सेठी बास करी काशी मिश्रंकर आशा को पूरण करंतु अर्थात काशी मिश्र सी आपण निकट शरणापन्न हो तांकर बास को आपणकर सेवा उद्देश्य अर्पण करुचंती आपण ग्रहण करंतु। चैतन्य महाप्रभु कहले देख मोर ए देह होची तम समस्तंकर अतएव तमे जहा कहिबो मोर सेथिरे सम्मत तेबे जहा हो महाप्रभु एही स्थान रे रही 18 वर्ष काल नीलाचलवासी को एवं गौड़ देशरु बा बंगलार आसुथवा समस्त गौड़ीय वैष्णव मानकु विशेष कृपा कले एवं रथयात्रा रे एही स्थान रे रही प्रत्येक दिन जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ दर्शन रथयात्रा आदि पहंडी विजय रथटणा आदि नृत्य कीर्तन परिवेषण एवं भक्त मान सहित निजर अभीष्ट जो रसास्वादन आदि समस्त लीला ये स्थान करते कहुए। महाप्रभु अनेक पार्षद मानक मध्यरे श्रील बक्रेश्वर पंडित अन्यतम जे महाप्रभुंकर गान और संकीर्तन बेले 24 प्रहर अर्थात 72 घंटा नित्य निरंतर नृत्य ही करि पारुथिले। तेणु से निजे महाप्रभु को प्रार्थना करथिले कहले प्रभु 10,000 गंधर्व मोरे देह चंद्रमुख तारा गाय मुई नाचो तेबे मोर सुख प्रभु बोले ने तुम्हें मोर पक्ष एक शाखा आकाशे उड़ीताम जदि पाहु अर पाखा। बक्रेश्वर पंडित कहले प्रभु आपण मते 10,000 गंधर्व दियंतु सेमाने गान करिवे आपणकर नाम संकीर्तन करिवे एवं मु निरंतर नृत्य करिवे तेबे सेथिरे मोर सुख हव। महाप्रभु कहले बक्रेश्वर तमे होच मोर गोटिए पक्ष यदि तमर भली आउ जणे किए मो पाखरे थांते तेबे मु तो आकाश रे उड़ंती अर्थात बक्रेश्वर पंडित महाप्रभुंकर अत्यंत प्रिय थिले। बक्रेश्वर पंडितंकर जने शिष्य थिले जांकर नाम होची गोपाल गुरु से अत्यंत बालक समय रे महाप्रभुंक सहित रहुथिले गोविंद महाप्रभुंकर सेवक जे गोविंदंक सहित महाप्रभुंकर सेवा करथिले किंतु छोटो बालक बोली देखि महाप्रभु तांकु गोपाल नाम रे संबोधन करि डाकुथिले। तांकर पूर्व नाम थिला श्री मकर ध्वज पंडित अतएव ये मकर परे गोपाळंक सहित तांकर गुरु नाम संयुक्त हला। ए गोपाळ गुरु ए गुरु नाम पछरे के विशेष किंवदंती सुना जाए कहा जाए जने भजनकारी व्यक्ति थरे बहिर्देश गमन करी शौचक्रिया करिवा समय रे नाम तांकर जी ना हरिनाम करिवार अभ्यास वशतः जिह्वा निरंतर नाम करथुला। तेणु से भजनकारी व्यक्ति जिह्वा को बंद करी धरी
बहिर्देश गमन करुथिले किंतु एक कथा देखी एक कथा सुनी गोपाल कहले जे नित्यांत महाप्रभुंकर जो कीर्तन महाप्रभुंकर जो शिक्षार ये होची विरोध कारण महाप्रभु शिक्षा देचंती कि बा खाइते सोइते जथा तथा नाम लय देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि हय खाइबा सोइबा बसिबा उठिबा जे कोनसी समय रे मध्य देश विदेश काल अकाल रो कोनसी विचार न करी हरिनाम सदा सर्वदा करी परिवो कीर्तनीय सदा हरि अतएव एक कथा जेहेतु महाप्रभु निवेदन करिचंती यदि बहिर्देश गमन समय जने जीवारे हरिनाम न करिला एवं तार प्राण विसर्जन हे गला तेबे तार गति को जगह को हबो अतएव हरिनाम न नै से तो दुर्गति प्राप्त करिवो जीवन दशा छाड़ीबा समय रे यदि हरिनाम न निए ए सुसिद्धांत पूर्ण वचन सुनी महाप्रभु जेतेले चैतन्य महाप्रभु सुनिले सेतेबेले से कहले तमे तो भल उपदेश देच तेणु तुम आचार्य हेबापी गुरु हेबापी योग्य अट तेणु आज ठार तुम्हें केवल गोपाल नुह तुम हूँ गोपाल गुरु अतएव से दिन ठार ये गोपाल गुरु बोली महाप्रभु तुम संबोधन कले कि बड़े विचित्र कथा ये गोपाल गुरुनाम श्रवण करी जे श्रील अभिराम ठाकुर तांकर परीक्षा करिवापी जगन्नाथपुरी आसिले अभिराम ठाकुर सही समय जने प्रसिद्ध वैष्णव थिले ताहांकर सी जहाँ को दंडवत करुथिले जदि सद्य विष्णु प्रतिमा हेथिबे विष्णुंकर विग्रह नहले उपयुक्त वैष्णव थिबे तेबे तांकर प्रणाम को स्वीकार करि परुथिले नतुवा वैष्णव जदि उपयुक्त भावरे प्रतिष्ठित हेनथिबे से तांकर शरीर त्याग करुथिले एवं विष्णु विग्रह जदि ठीक रूप से प्राण प्रतिष्ठा हेनथिबा ठीक सठिक विष्णु विग्रह हेनथिबे तेबे मूर्ति चूर्ण विचूर्ण हे जाउथला ए कथा सुनी हाहाकार पड़गला किंतु महाप्रभु निजे ही गोपाल गुरुंकर मस्तक निजर चरण चिन्ह को छापीदे कहले गोपाल गुरु तुमर आउ किछि हवनी अभिराम ठाकुर आसी जेतले प्रणाम कले सतुकु सत गोपाल गुरु से प्रसिद्ध हेले कौनसी प्रकार प्रतिक्रिया बे विकारग्रस्त हेलानी एवं सही दिन ठारु देखा जाए गोपाल गुरुंकर अधस्तन गंभीरा मठर जिते समस्त वैष्णव मान समस्ते चैतन्य महाप्रभुंकर चरणर चिन्ह को मस्तक तिलक रूप से धारण करचंती कहा जाए राधाकांत मठ विषय पंडित मान कहंती जे श्री बक्रेश्वर पंडित प्रभु गादी रे बसी आचार्य कार्य करती ना कारण सबु समय चैतन्य महाप्रभुंकर नृत्य कीर्तन रे से व्यस्त रहंती किंतु श्रीमान महाप्रभुंकर आदेश रे एवं गोपाल गुरु बक्रेश्वर पंडित शिष्य जे गोपाल गुरु सी किंतु ये आचार्य कार्य को संपादन करती कहा जाए चैतन्य महाप्रभु गोपाल गुरु को माघ मासर शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि एठी गादी अर्पण करते आचार्य पदरे अभिषिक्त करते तेणु आज पर्यंत मध्य ये राधाकांत मठर समस्त आचार्य माने बा महंत माने अभिषिक्त होंती ये माघ मासर शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि प्रताप रुद्रदेवंकर बापा पिताजी जे पुरुषोत्तम देव से कांची विजय करी सेठारु भंड गणेश एवं राधाकांत देव जे भगवान कृष्णंकर श्री विग्रह रत्न सिंहासन आदि अनेक अनेक वस्तु को नहीं आसथिले एवं सेठिरे काशी मिश्र कृष्ण श्रीकृष्णंकर विग्रहंकर सेवा पूजा करिवा उद्देश्य रे जे राजा को निवेदन करिवारु राजा तांको कृष्णंकर सेवा को अर्पण करथिले एवं परे महाप्रभु सेई स्थान रे विशेष भाव रे राय रामानंद एवं स्वरूप दामोदर सहित गोटे छोटे छोटिया घरे रहुथिले जो घर रे तीनोटी द्वार थिला एवं तीनोटी प्राचीर मध्ये थिला तेबे से छोटो गंभीरा घरे रहुथुआ हेतु तार नाम गंभीरा बोली मध्ये अछि ओडिया रे छोटो घर को गंभीरी बोली गंभीरा घर बोली कहा जाए तेबे ये चैतन्य महाप्रभु सेठी लीला संबंध गंभीरा लीला संबंध एपरि सुना जाए महाप्रभु शेष बार वर्ष गंभीरारे रही जे गंभीरा लीलार बा विशेष भाव उद्धवंकर दर्शन रे राधाराणी जो भाव उदय होता से भ्रमर गीतादि भाव को से आस्वादन करते कहुए राधिकार चेष्टा जेन उद्धव दर्शने यही मत दशा प्रभुर हय रात्रि दिने निरंतर हय प्रभुर विरह उन्माद
भ्रममय चेष्टा सदा प्रलय प्रलापमय बाद गंभीरा भितरे रात्रे नाही निद्रा लव भित्ते मुख सिरे घसे क्षत हय सब तिनि द्वार कपाट प्रभु जाए न बाहिरे कभु सिंह द्वारे पढ़े कभु सिंधु निरे। महाप्रभु ये विरह रस को आस्वादन करुथिले एवं राधाराणी विरह रस को आस्वादन करी केते बेले ये रात्रि दिन तो विश्राम ही करू नथिले एवं से जो कपाट द्वार रे कांथरे निजर मुख को घर्षण करी बड़ विचित्र उन्माद दशा को प्राप्त करुथिले केते बेले सिंह जगन्नाथ मंदिर सिंह द्वार रे गाई मानक मध्यरे कुर्माकृति धारण करुथिले तो केते बेले सिंधु को लंप प्रदान करी विस्तृत विराट रूप धारण करुथिले एवं अते कुहा जाए रात्रि दिन सेठी निद्रा नथिला राय रामानंद एवं स्वरूप दामोदर सहित विशेष भाव रस आस्वादन करुथिले। कुहा जाए चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति कर्णामृत श्री गीत गोविंद स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने गाय सुने परम आनंद। काशी मिश्रंकर समय रे कुआ जाए श्रीमान महाप्रभु जो स्थान रे भजन लीला प्रकट करथिले जहाँ गंभीरा नाम रे परिचित एवं से स्थान रे मध्य महाप्रभुंकर पादुका एवं ब्रजर माटी द्वारा निर्मित जीए कमंडलु ता सहित जगदानंद पंडित द्वारा अर्पित कंथा ताहा मध्य आज सेठी विराजमान अच्छी। गोपाल गुरु गोस्वामी प्रभुंकर अप्रकट परे एक विचित्र लीला होता कुआ जाए राधाकांत गोपाल गुरुंकर गादी रे जे तांकर शिष्य ध्यानचंद्र गोस्वामी उपविष्ट हेले एवं सेई राजार राजकर्मचारी माने राजा सेठी तदानीन्तन राजा विचार कले ये काशी मिश्र भवन राजांकर कारण राजा कौनसी प्रकार राजीनामा कौनसी रजिस्ट्रेशन पेपर करिनाहांती जे काशी मिश्र बाबूंकु देइचंती बोली तेणु ताकु फेरस्त दिया जाओ। तेबे एपटे गुरुदेवंकर विरह एवं एपटे राधाकांतंकर सेवार विच्युति यही अवस्था देखी ध्यानचंद्र गोस्वामी जे गोपाल गुरुंकर शिष्य बड़ आश्चर्यचकित हेले विचलित हो पड़ते किंतु केतेजण ब्रजरु फेरी आगत ब्रजवासी बा धाम रे पदार्पण करी गोपाल ध्यानचंद्र गोस्वामी को सूचना देले जे आपणकर गुरुदेव गोपाल गुरु जे धीर समीर रे ब्रजरे वृंदावन वंशी बटरे बसी भजन करुचंती ये कथा श्रवण करी जेतले गोपा सतरे ध्यानचंद्र गोस्वामी ब्रज को गले सतु सत गुरुदेव को दर्शन कले वंशी बटरे बसी भजन करुचंती गुरुदेव को सब कथा जणेवा परे शिष्य वत्सल गोपाल गुरु शिष्यंकर कथा रक्षा करी कहले ना मु किंतु ब्रज छाड़ी तो जापरिनी तुम किंतु जाओ सेठी काशी मिश्र उद्यान गोटे निंब वृक्ष मोर विग्रह तैयारी करिवो एवं से विग्रह रे मु नीचे आविर्भूत ही राज कर्मचारी मानको सब किछि बुझै देबी एवं सतु सत ध्यानचंद्र गोस्वामी फेरिले एवं से निंब दारू रे भगवान कर जे गोपाल गुरुंकर विशेष भाव रे एक विग्रह श्री विग्रह निर्माण कले एवं आज मध्य से श्री विग्रह राधाकांत मठ सम्मुख रे सद्य विराजमान पूजित होचंती एवं राजकर्मचारी मैंने बुझीगले गोपाल गुरु निजर शिष्यपाई ब्रज वृंदावन पुनर प्रकटित होठाक आसिले एवं से श्री विग्रह रूप में विराजमान। अतएव जो मैंने जगन्नाथ पुरी की गौड़ीय वैष्णव मैंने आसती किंबा जो भक्त मैंने आसती से मैंने निश्चित भाव में राधाकांत मठ को आसवा दरकार चैतन्य महाप्रभुंकर पादुका एवं कमंडल आदि दर्शन करी विशेष कृपा प्रार्थना करी राधाकांतकर कृपा पाइबे एवं गोपाल गुरु गोस्वामी को प्रणाम करी मध्य सेठी गौड़ीय वैष्णव समस्तंकर प्रणाम एवं कृपा पाइबार एक सुयोग्य स्थान एवं महाप्रभुंकर अत्यंत अंतरंग भक्त मानक सहित लीला आस्वादन करिवार जो विशेष स्थान को दर्शन करी महाप्रभु मध्य कृपा प्रार्थना करिवे। हरे कृष्ण।